हमीरपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निक्कराम पटियाल और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर कृषि बिल को पास न करने की गुहार लगाई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया और रैली भी निकाली। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निक्कराम पटियाल ने कहा कि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं है, फिर भी संसदीय परंपराओं को तोड़कर किसान विरोधी बिलों को नियम के विरुद्ध जाकर भाजपा सरकार ने राज्यसभा में ध्वनिमत के आधार पर असंवैधानिक तरीके से बिल को पारित कर दिया है। भाजपा सरकार की तरफ से की गई ये कार्रवाई पूर्ण तरह से असंवैधानिक है। संसदीय परंपराओं और नियमों के विरुद्ध इस असंवैधानिक प्रक्रिया से देश में प्रजातांत्रिक परंपराओं की विश्वसनीयता को धक्का लगा है, लिहाजा इन बिलों को पारित कर कानून बनाने के लिए मंजूरी न दी जाए। इसी तरह राज्य में सरकारी पक्ष की तरफ से असंवैधानिक प्रक्रिया चल रही थी तो विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया था, लेकिन सत्ता पक्ष ने नाराजगी में आप पार्टी के सांसद संजय सिंह सहित 8 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए सांसद से निलंबित कर दिया है, जो कि गलत है। सरकारी पक्ष का खुले तौर पर विरोध की आवाज के खिलाफ तानाशाह रवैया अपनाए हुए है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निक्कराम पटियाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों से जुड़े कृषि बिलों को राज्यसभा में असंवैधानिक तरीके से पारित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में आप पार्टी द्वारा आज पूरे देश में आज के दिन को विरोधी दिवस काले दिन के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसान विरोधी बिल राज्यसभा में पेश किया है। आप सबको ये विदित है कि राज्यसभा में सरकार की मेजॉरिटी भी नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने तानाशाही से इस बिल को पास किया है। उस बिल के विरोध में आज अब अपन काला दिवस मना के उस बिल का विरोध करते हैं और श्रीमान नरेंद्र मोदी से जी से भी आग्रह करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। इसलिए हम ये आज ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को भेजने जा रहे हैं। आंदोलन तो आज से अब ये शुरू हो रहा है। अगर ये बिल के ऊपर आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी आम आदमी पार्टी जो है विरोधी दिवस काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसके बाद अगर फिर भी ये बिल वापस सरकार नहीं लेती है तो हमें धरने प्रदर्शन की जो है ना मैं तेजी लाना पड़ेगी और घेराव करना पड़ेंगे, विधानसभा तक हम घेराव करने के लिए जाएंगे।